गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। कल शाम आप लोगों ने देखा था मैं दीदी लोगों के यहाँ पे रुक गया था, लेकिन आज नए दिन की शुरुआत के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत भी होने को जा रही है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं यहाँ से माँ पूर्णागिरी के दर्शनों के लिए। लेकिन वहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आज तो कवर नहीं हो पाएगा, तब देखते हैं कितनी राइड आज हो पाती है। आज भी आसमान में जो है बादल देखने को मिल रहे हैं, पर ये बादल नहीं कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। आइए क्यों न बिना देर करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। आपको यह भी बता दूं हल्द्वानी से बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ों के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, परंतु कोहरे से सब कुछ ढका हुआ है। तो चलो चलने की तैयारी करते हैं। मामू तैयार हैं? तो हाँ, तो जाते समय रास्ते में पड़ता है नानक मत्ता, तो हमने सोचा है सबसे पहले आज आपको गुरुद्वारा के दर्शन कराएंगे और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं फिर, और नानक सागर डैम भी दिखाएंगे, गुरुद्वारा भी दिखाएंगे और थोड़ा बहुत रास्ते के बारे में भी बताएंगे। चले असुमा घर पे अकेली हैं और सब लोग चले गए ड्यूटी को, तो बाय बाय। अब जा कर के निकल गए हम कमरे से, धीरे धीरे गलियों से होते हुए मार्केट से होते हुए फिर निकलेंगे। तो सबसे पहले ऑयल भरना है गाड़ी में, टैंकी फुल कर दीजिए, फुल हो गई। वो एयर के साथ ऑयल भी डाल दिया है और लगभग गाड़ी का काम हो गया है। हल्की हल्की धूप निकल करके आ गई है। अभी मैं हल्द्वानी तिकोनिया चौराहा पर हूँ। हल्द्वानी से नानक मत्ता जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो मेन मार्केट से होते हुए सीधे लाल कुआ बरेली रोड से जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता जाता है यहाँ रेलवे बाजार से होते हुए, रेलवे क्रॉसिंग गोलापार से होते हुए चोरगलिया, चोरगलिया से फिर सितारगंज होते हुए नानक मत्ता पहुँच सकते हैं। तो हम चलेंगे चोरगलिया के रास्ते, और ये है ग्वाला नदी, और ये रहा ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक रास्ता जाएगा सीधे सीधे ग्वालापार स्टेडियम के लिए, और एक रास्ता जाएगा राइट हैंड वाला आपका सीधे चोरगलिया सितारगंज के लिए, यहाँ से राइट। और यहाँ पे देखो ये लगाया भी है उत्तरायणी कौतिक जो है 14 जनवरी से लगने को जा रहा है। तो ये तो ग्वालापार में लगेगा और हल्द्वानी वाला तो शायद पहले से शुरू हो जाएगा। मामा भानिस पहुंच गए अभी चोरगलिया। यहाँ का जो लोकल बाजार है वो यही है। ये क्या हुआ, सितारगंज? तो सितारगंज में मैं पहुंच गया। हाँ जी, को मैंने रास्ते में उतार दिया वो, इसलिए हमारे पीछे वाले टायर में पता नहीं क्या हो गया, हवा निकल गई या क्या हुआ। ये देखो, देखो तो यार क्या हुआ इसमें। और इसके ठीक सामने है मुख्य गुरुद्वारा, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा और है। मुख्य गुरुद्वारा जो है आज बंद है किसी कारणवश, आई थिंक वहाँ पे कुछ काम चला हुआ है। चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ अब मैं पूरे गुरुद्वारा का।
अरनाथ देव जी ने ऐसे हाथ दिया वहीं पे झुका रह गया जैसे हाथ किया। अच्छा तब से ऐसा ही है। हाँ, जड़ से बगैर है हर जड़ पे छिट्टा मारा था हर पत्ते पर आपको उनका छीट मिलेगा कैंसर के छीटे डाले। अच्छा और झुका हुआ तभी है जहाँ तक हाथ ऐसा हुआ वहीं तक पेड़ ऐसे ही झुका है जड़ ऊपर है। कितने सालों से ना पानी देते ना कुछ देते खुद ही हरा भरा है हर पत्ते में छीट मिलेगी ये करिश्मा है। उत्तराखंड का सबसे ऐतिहासिक जो है गुरुद्वारा है और सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी यही है। गुरु नानक देव जी के चरण पड़ते ही ऐसा माना जाता है यह सूखा हुआ पीपल का पेड़ हरा हो गया था। और इसकी एक खास बात और है जो मेन जमीन है उसकी सतह से लगभग 6-7 फुट ऊपर है। गुरुद्वारा के ठीक पीछे है सरोवर तो जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और रंग बिरंगी मछलियाँ भी देख सकते हैं तो तरह तरह की यहाँ पे मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ एक कमरा है जिसमें आपको सिखों के 10 गुरु के साथ और भी तमाम चीज़ें जो घटनाएं घटित हुई थी वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये गुरुद्वारा रहा तो यहाँ बड़े वाले में तो अभी सफाई चल रही है तो मामा जी और अब मैं चलते हैं। काफ़ी देर हो गई है दर्शन भी कर लिए हैं। जब आपके गुरुद्वारा में दर्शन हो जाते हैं तो गुरुद्वारा से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ से जो दाहिने हाथ को ये रास्ता जाता है ये सीधे जाता है लंगर लगा रहता है। तो अब मामा जी और मैं जा रहे हैं लंगर लेने के लिए और उसके बाद फिर हम जाएंगे सागर डैम देखने के लिए। यह भी बता दूं यदि आप यात्री हैं और शाम को गुरुद्वारा में रुकना चाहते हैं तो आपको शाम को यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी गुरुद्वारा के ठीक इस साइड। गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद मामा भानिस बाहर आ गए हैं क्योंकि अंदर ना सभी जगह वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखाया है और अब जो है हम इस रास्ते जाएंगे यानी ये रहा गुरुद्वारा और गुरुद्वारा के ठीक इस साइड यानी राइट हैंड साइड से जाता है रास्ता सीधे गुरु नानक सागर डैम के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे गाड़ी से जाना पड़ेगा। मामू आप यहीं पर रहो मैं गाड़ी ले आता हूँ। हाँ गाड़ी ले आता हूँ।